जैसे कि मैंने पहले पी ऑर्बिटल का एग्जांपल दिया है, अब मैं एस ऑर्बिटल का लेता हूँ, ऑर्गन कैल्शियम का लेता हूँ जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4s2। तो एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एस का वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि इसका प्लस हाफ है और इसको हम लोग माइनस हाफ लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। तो और 2s+1 हो जाएगा, 2 × 0+1 मतलब 1 हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एल का वैल्यू 0 क्योंकि एस के लिए एल का वैल्यू डिफाइन होता है 0, तो एल 0 है तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0 है तो एस होगा, 1 है तो पी होगा, तो एल के लिए एस हो गया। तो जे हो गया हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड मान सकते हैं, मोर देन हाफ फील्ड है वो, तो एल प्लस एस हो जाएगा, एल प्लस एस तो 0 + 0 = 0। तो टर्म सिंबल हो जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, एल का वैल्यू एस आया है और जे का वैल्यू 0, तो 1s0 इसका टर्म सिंबल हो जाएगा। उसी तरह का हम अगर डी ऑर्बिटल का कोई एग्जांपल लें तो 4s2 3d2 होता है मैग्नीस के लिए, ऑर्गन 4s2 3d5 होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम 4s2 में जैसे देखेंगे कि उसका 0 0 हो जाता है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ओनली हम d5 पे कंसिडर करेंगे। तो d5 में 5 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया है तो इसका वैल्यू आपको पता होगा +2 +1 0 −1 −2 होता है। तो बस आप एस कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ फिर प्लस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × 5/2 + 1 = 6। एल का वैल्यू पता होगा आपको 2 × 1 1 × 1 0 × 1 −1 × 1 and 1 × −2। ये वैल्यू दिया हुआ है, ऑर्बिटल का वैल्यू है ये +2 + 1 0 − 1 −2। आप इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके साथ और आपका एल का वैल्यू 5 कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से ये हाफ फील्ड है, इसमें आप l+1 लीजिए, एल प्लस एस लीजिए या फिर l- s लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ पे एल प्लस एस ले लिया हूँ तो 5 + 2 + 0 5/2 हो जाएगा। तो इसका टर्म सिंबल हो जाएगा 6s 5/2, क्योंकि 6 यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, एल का वैल्यू एस है, एल का वैल्यू 0 है तो उसके लिए एस हो जाता है और एल प्लस एस 5/2 है तो ये 6s 5/2 हो जाता है। ठीक उसी हम ठीक उसी प्रकार हम लोग एक एफ ऑर्बिटल वाला एग्जांपल लेते हैं जैसे प्रोमेथियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनान 4f5 × 6s2। तो आप 6s2 को नेगलेक्ट कर दो क्योंकि उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो बस आप सिंपल एफ ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लो, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 1 2 3 4 5। आप एफ ऑर्बिटल का जो वैल्यू होता है +3 + 2 + 1 0 − 1 − 2 − 2 लिख लीजिए और एस आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 5 ऑर्बिटल है तो प्लस आप करके 5 टाइम्स तो 5/2 हो गया। तो 2s1 + 2s+1 जो होता है वो 6 हो गया है। एल का वैल्यू 3 × 1 2 × 1 1 × 1 0 × 1 − 1 × 1। टोटल कैलकुलेट करके देखते हैं तो हम 5 आता है, और जो एच की 5 जो वैल्यू होता है एल का वो एच के लिए होता है तो ये एच हो गया। और जे का वैल्यू जैसे कि लेस देन हाफ फील्ड है ये तो एल माइनस एस होगा, तो 5 − 5/2 = 5/2। तो बस टर्म सिंबल इसका हो जाएगा 2s+1 l j, और 2s+1 जो 6 है एल का वैल्यू एच है 5/2। तो इस तरीके से आप टर्म सिंबल कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ग्राउंड स्टेट बोले तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और टर्म सिंबल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।